अब तक आपने देखा गर्जत में सिद्धि के कॉटेज में आग लग जाती है। विनायक उसे वहां बचाने जाता है पर सिद्धि को लगता है आग उसी ने लगाई है। सिद्धि बच जाती है। माँ काली के मंदिर में उसे डॉक्टर प्रतिमा मिल जाती है और वो उसे एक नई जिंदगी और नया नाम रिद्धि सिन्हा देती है। अब रिद्धि 11 महीने 22 दिनों बाद लौटती है। रिद्धि विन से बदला लेने की ठान लेती है और इसीलिए वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाती है। विन उसे अपने साथ काम करने के रूल्स बताता है। रूल नंबर 1, नेवर एंटर माय रूम, डू नॉट शेयर एनीथिंग पर्सनल एंड डू नॉट आस्क एनीथिंग पर्सनल। रिद्धि ने उसे जान से मारने का प्लान बनाया और उसके पीने के पानी में जहर मिला दिया, लेकिन वो पानी विनायक ने नहीं पिया। तो फिर वो जहर वाला पानी किसने पिया? अब आगे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मिस सिन्हा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? अगर विन बिल्कुल ठीक है तो वो जहर वाला पानी पिया किसने? मिस, पागल तो नहीं हो गई ये लड़की? पानी वाला जग तो वो वहां उनमें से एक है। अगर मंजरी मौसी ने वो जहर वाला पानी पी लिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पानी को फेंका। आप लोग में से कोई भी इस पानी के ग्लास को हाथ मत लगाना। आप लोग जल्दी से जग्स और सारे के सारे ग्लासेस उठाइए और मेरे साथ किचन में चलिए। ये रिद्धि मैडम को क्या हो गया? ये मम्मी जी को मंजरी मौसी क्यों बुला रही है? सब क्या कर रही हो तुम? ये विन की असिस्टेंट पागल हो गई है क्या? लेकिन इसने मुझे मंजरी मौसी क्यों बोला? देख रहे हैं, आइए जल्दी से जाइए, पूरा पानी फेंकिए। वो टंकी का भी पानी क्लियर कर दो। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? ये पानी क्यों फेंक रही हो तुम? वो छिपकली, वहां छिपकली है तो क्या? वो ये कि अब वो वहां है, कुछ देर पहले वहां उस टंकी में थी। अरे विधि मैडम, आप ये कैसी बात कर रही है? पानी तो ढका हुआ था ना, तो उसमें छिपकली कहां से आएगी? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, वो छिपकली उस टंकी में थी। रघु, थोड़ी देर पहले तो मैं किचन में आई थी, मैंने तुमसे पूछा ना वाटर प्योरिफायर काम कर रहा है या नहीं, तुमने कहा मैकेनिक आने वाला है वो ठीक करेगा, तब मैंने देखा था। बताओ रघु, मैं आई थी ना, मेरी बात हुई थी ना तुमसे? पर किचन में तो मैं भी थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। अरे मेरा यकीन कीजिए आप लोग, मैंने खुद वो छिपकली उस टंकी में देखी थी और इसलिए मैं विंसर के कमरे में गई उन्हें देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। और फिर जब मैंने देखा कि वो ठीक है और फिर मैं दौड़ी दौड़ी नीचे चली आई देखने के लिए कि परिवार के किसी मेंबर ने वो पानी पी तो नहीं लिया। विंसर, अगर इस बात के लिए आपको मुझे नौकरी से निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। आई रियली डोंट माइंड, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया इस परिवार की भलाई के लिए किया।
एक मिनट। किसी को इस बच्ची पर यकीन हो ना हो मुझे है, और इसने जो भी किया है मुझे लगता है परिवार की भलाई के लिए किया है। क्या हुआ अगर किसी ने ना देखा? उसने पानी पीने के लिए मना किया ना, कोई जुर्म तो नहीं किया, और जो कुछ भी किया अच्छे के लिए किया है ना। रिद्धि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बची है, अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। That's okay, ma'am. मैंने जो भी किया इस परिवार के भले के लिए किया। आप महाराष्ट्रन हो क्या? ये प्राची को क्या हो गया है? ये ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? जी नहीं, आप अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मेरे महाराष्ट्रन होने का इस सिचुएशन से क्या रिलेशन? नीनी तूने मुझे मंजरी मौसी बुलाया ना, तो मुझे भी एक बार लगा कि नहीं तू महाराष्ट्रन तो नहीं है। हड़बड़ाहट में ये मैंने क्या कर दिया? नहीं मैं तो बिहार से हूँ, वो मैं महाराष्ट्र में ज्यादा वक्त तक रही हूँ ना, इसलिए थोड़ी बहुत मराठी बोल लेती हूँ। जिस तरह से तूने मुझे मंजरी मौसी करके बुलाया ना, मुझे किसी की याद दिलाती। माँ सही कह रही है, कभी कभी ये लड़की मुझे भी सिद्धि की याद दिलाती है। तू काजी न को करूं, मेरा मतलब है तू चिंता मत कर, विनायक तुझे नौकरी से नहीं निकालेगा। विनायक तुझे तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसने हम सबकी जान बचाई है। बोल? थैंक यू। वाह रिद्धि मैडम वाह, आज आपको सुपरस्टार ने थैंक यू बोल दिया है। लगता है रिद्धि काफी स्मार्ट है, इतने असिस्टेंट्स आए गए, ये पहली है जिसको विन ने थैंक यू बोला है। मिस सिन्हा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आइए। अब मुझे पता है क्या काम है इससे, अपने कमरे में आने के लिए चार बातें जो सुनानी है इसे मुझे, फिर से मानना पड़ेगा। किस्मत का बड़ा धनी है ये विनायक, जो दो बार मेरे वार से बच गया है। क्या सोचने लगी? तू टेंशन मत ले, विनायक ना तुझे कुछ नहीं कहेगा। क्या मुसीबत है यार। जा। चलिए अब मुझे सच सच बताइए कि आप मेरे कमरे में हड़बड़ाती हुई क्यों आई थी? सर आपको ना बादाम खाने चाहिए। क्या मतलब? सर अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने किचन में कहा आपसे, मैं आपको कमरे में वो पानी पीने से रोकने के लिए आई थी, और फिर जब मैंने आपको परेशान देखा तो मुझे लगा कहीं आपने वो गंदा पानी पी तो नहीं लिया। मैं और परेशान फिर भूल गया सर, आपके टी शर्ट पर जो टैग लगा था उससे परेशानी तो हो रहे थे ना? हाँ। देखा मैंने कहा ना आपसे, आपको बादाम खाने चाहिए। चलो ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात, लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि मैंने तुम्हें जान से मारा था? मिस सिन्हा मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है, जवाब दीजिए ये मरने मारने की बातें क्यों कर रही थी आप? तुम यहाँ क्या कर रही? वरना क्या क्या करेंगे आप? मुझे जान से मारेंगे ठीक उसी तरह जिस तरह आपने मुझे पहले जान से मारा था। सब मेरा एग्जैक्टली वही मतलब था। मतलब सब जब आप मुझे घूर कर देख रहे थे, आप जब मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे पूछ रहे थे, तब यही तो किया था ना आपने? कब कहाँ और क्या किया था मैंने? अरे सर तब जब आप मुझे मिस्टर कुंद्रा कहने के लिए कह रहे थे, तब तब क्या? तब मैं डर गई थी और मुझे लगा कि मैं तो मरी गई,
आप पागल हैं या आपने मुझे पागल बनाने की ठान ली है? सब मैं सच कह रही हूँ, वरना इसका क्या मतलब निकल सकता है? मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दीजिए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आज तुमने मेरे कमरे में जाने की गलती की है, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? चाहे मैं मर भी रहा हूं तब भी। जी। गुड। पास ड्रॉअर में मेजरिंग टेप है, लेके आइए। सर। बार बार अपने कपड़े क्यों उतारते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? आज इनमें तीसरी बार आप मेरे सामने अपना टी शर्ट उतार चुके हैं। तीन बार? जहां तक मुझे याद है एक बार टैग निकाला था तब और एक बार अभी। सॉरी सर, आई मीन दूसरी बार। फालतू की बातें करना बंद करो और आके मेरे मेजरमेंट्स लो। मेजरमेंट्स? हाँ, आप ही ने तो मुझे बोला था कि मुकेश मल्होत्रा ने मेरे मेजरमेंट्स मांगे, तो आके लो। मैं आपके मेजरमेंट्स? चलो ऐसा करता हूँ, मैं अपने मेजरमेंट्स खुद ही ले लेता हूँ। आप खड़ी हुई सोच कर रही हैं? लो ना मेरे मेजरमेंट्स। सो सेना, आप तो कहती हैं आपको अपना काम बहुत अच्छे से करना आता है। जी, सही कहा मैंने? एक इंच टेप तो पकड़ा नहीं जाता आपसे। आप मेरे इतने पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जैसे तुम नाप ले रही हो ना, वैसे मेरा ब्लेजर नहीं तंबू सिल के आएगा। मिस सिन्हा, आपको लोगों को तकलीफ देने में मजा आता है क्या? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है विनायक, मैं तुम्हें कब और कितनी तकलीफ दूंगी। सिन्हा, अगर आपको गाली देनी है तो मेरे सामने आके दीजिए। आप मुझे अपना काम करने दीजिए कुंद्रा, ये क्या कर रहे हैं आप? ओ, तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। ना ही मैं आपसे और ना ही आपके स्टार्डम से इंप्रेस होने वाली हूँ। Excuse me, जो भी तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है मिस सिन्हा। I guess जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ। अब आप सीधे खड़े होने का क्या लेंगे? क्योंकि जब तक आप सीधे खड़े नहीं होंगे तब तक मैं आपके मेजरमेंट्स नहीं ले पाऊंगी। Sure.
सर। कितना एटीट्यूड है इस विनायक कुंद्रा में। मिस सिन्हा, ये क्या कर रही हैं आप? क्या आप जान से मारना चाहती हैं मुझे? आई एम सॉरी सर, मेरा ध्यान नहीं था। अब मुझे घूरना बंद कीजिए और अपने काम पे ध्यान लगाइए। मुफ्त की तनख्वाह नहीं मिलती है आपको। यस सर। ये विनायक भी कुछ अजीब ही है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे जाना ही नहीं है। चल रिद्धि, लग जा काम पर। फिर से आ गया तो चार बातें सुना देगा। हेलो, मुकेश मल्होत्रा ऑफिस जी। वो मिस्टर विनायक कुंद्रा के बारे में? हाँ, उनके मेजरमेंट्स जो लिए थे। या ऑल राइट, थैंक यू। अरे तूने क्यों कश किया? मैं ले आती गुलाब जामुन। दीदी आप तो हमेशा ही काम करती रहती है, और वैसे भी आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो स्वीट डिश तो मुझे ही सर्व करना चाहिए ना। चल आप बैठो, ठीक है, आराम भी कर लीजिए कभी कभी। जी चाची जी। प्राची की बच्ची मेरी पीठ के पीछे क्यों पड़ी है? पीछे तो मैं तेरे पड़ी, क्योंकि तू ऐसे नहीं मानेगी। शांत हो जा। ओ भाभी, ये क्या? ये आपके पीठ में कुछ है? नहीं, इसमें तो नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं है, कुछ तो है। सेक्सी बेबी डॉल कुछ लिखा। नहीं कुछ भी नहीं, वो तो ऐसे ही। सेक्सी भाभी आप भी ना। कुंद्रा खानदान की बहू और ऐसा टैटू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देखा, खोल दी ना संस्कारी बहू की पोल पट्टी। ये सब इनकी वजह से हुआ है। देखा, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? आप सबको नहीं पता, इन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। धोखा? कौन सा धोखा? इन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारी पीठ पर माँ शेरावाली का टैटू बनवाऊंगा, और मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि जब मैं घर वापस आई टैटू बनवा के, और मैंने देखा तो इन्होंने मेरी पीठ पर सेक्सी बेबी डॉल लिखवा दिया। मनवीर तूने ये ठीक नहीं किया। बोल जी के जो भी हुआ अभी ठीक तो लगाओ। आइए ना बैठ जी, मैं आपको मलहम लगा देती हूँ। वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारा क्या दोष है प्राची? आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तू क्यों माफी मांग रही है? किस्मत तुम्हारा क्या दोष है प्राची? मेरी ही किस्मत में ऐसा पति है तो। एक औरत हूँ ना, अपने पति की हर सही गलत बात को मानना मेरा धर्म जो है। बेचारी मेरी सेक्सी बेबी डॉल। मैं जानती हूँ
कि ये सब तूने जानबूझकर किया है। प्राची, ये खेल तूने शुरू किया था, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगी। अब तू देखती जा कि मैं तेरा बैंड कैसे बजाती हूँ। यस सर, आपके ब्रांड एंडोर्समेंट की मीटिंग कल मिस्टर विन कुंद्रा के साथ कंफर्म है। यस सर, थैंक यू। या आज का सारा काम कंप्लीट हो गया है, अब जल्दी से कैब बुक कर लेती हूँ। कैब्स अवेलेबल नहीं है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? रिद्धि, तो अभी तक घर नहीं गई, कितना काम करेगी? मैम, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? हाँ मैम, कोई कैब्स अवेलेबल नहीं है और मैं सोच रही हूँ मैं घर कैसे जाऊं। सुनो, यहाँ। यस मैम। आज कौन सा ड्राइवर ड्यूटी पे है, बलदेव या मोहन? बलदेव बड़े साहब के साथ बाहर गया है, मोहन प्राची मैडम और राजवीर भैया के साथ बाहर गया है। अच्छा ठीक है, तू जा। क्या करे? विनायक, विनायक सुन 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 ना, मेरा एक काम करेगा? आपस हुकुम करो। रिद्धि को घर छोड़ के आ जाओ।